वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी। देखिए आरो यूपीपीसीएस मेंस की जो क्विक रिवीजन स्पेशल सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 9 है और ये जो वीकली करंट अफेयर है उसमें भी है। ये टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर है वो मैं लेकर आई हूँ। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ किए जाने हैं तो आवंटित की गई राशि 1290 करोड़। अभी हाल ही का जो बजट आया था उसमें राष्ट्रीय बांस मिशन जो है आरंभ किया गया है। बजट की घोषणाओं के अनुसार इस प्रकार की कंपनियों को ग्रीन मिशन के तहत 100% टैक्स की छूट दी गई है। खेती से जुड़ी कंपनियाँ वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले 5 साल में जितने लाख करोड़ रुपए की राशि एक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण करोड़ बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत जितने साल में IIT, NIT, IISc और IIT IIIT की कुल 3,000 छात्रों को फेलोशिप दी जाएगी। तीन, वित्त वर्ष 2018-19 के बजट के अनुसार मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में जितने करोड़ रुपए देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, 10,000 करोड़। वित्त वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए जितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 5,750 करोड़। वित्त मंत्री द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अभी तक, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। इससे आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना क्या है। बजट 2018 के अनुसार देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए आवंटित की गई धनराशि 600 करोड़। बजट 2018 के अनुसार देश को टीबी मुक्त, ये सेम हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 के भाषण में इतने मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की, 24 इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 2018 के अनुसार इस देश में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा बड़ौदरा, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बड़ौदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने किसी भी इकाई द्वारा जितने लाख रुपए से अधिक का लेन देन करने पर स्थायी खाता संख्या पैन का उल्लंघन अनिवार्य बनाया है, 2.5 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2018-19 में बजट में सभी 11,000 ट्रेनों में CCTV कैमरा लगाने के लिए जितने करोड़ रुपए का खर्चे का अनुमान है, 3,000 करोड़। वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में मगही भाषा के लिए साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया, शेष आनंद मधुकर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद ही रखिएगा, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान इन्हें मिला है, शेष आनंद मधुकर मगही भाषा में के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट के नए रोस्टर सिस्टम के तहत संवेदनशील जनहित याचिकाओं में सुनवाई करेंगे मुख्य न्यायाधीश की पीठ, जिन्हें खेलो इंडिया अनुसार स्कूल में गेम्स एथलेटिक्स कार्यक्रम में पहला स्वर्ण पदक जीता है अनु कुमार। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के मराठवाड़ क्षेत्र में स्थित लातूर में रेल कोच फैक्ट्री लगाने का फैसला किया, महाराष्ट्र, लातूर में रेल कोच फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है। विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में देश अब दुनिया के 3rd स्थान पर पहुंच गया है भारत। भारत सरकार ने विश्व बैंक में तमिलनाडु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से $100 मिलियन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस देश ने सभी उत्तर कोरिया प्रवासियों के श्रमिकों को 2019 तक वापस भेजने की घोषणा की है, रूस, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। ब्रिटेन की मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट द्वारा तैयार किए गए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले 10 स्थान खिसक कर कितने पायदान पर रहा है, 42, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 42। बजट 2018 में घोषित योजनाओं के अनुसार मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया, इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी जिन्हें इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, मैरीकॉम। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दिनेश नंदन सहाय। पूछ सकते हैं दिनेश नंदन सहाय कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिए गए, मोहम्मद नशीद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन पर काफ़ी टाइम से केस चल रहा है। तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया, मोहम्मद नशीद। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 30 प्रकार की छात्रवृत्ति वितरण के लिए मिशन क्लिनिक योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में करीब कितने प्रतिशत इजाफे वाले बिल को अपनी मंजूरी दी है, 200।
जिस देश के मुख्य विपक्षी नेता रेला ओडिंगा ने एक कार्यक्रम में बाइबल हाथ में लेकर खुद राष्ट्रपति की शपथ ली, केन्या। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेला ओडिंगा, जितने भी ओडिंगा ओडिंगा टाइप के लोग होते हैं वो केन्या में ही होते हैं। नीति आयोग के सदस्य का नाम, जिन्हें हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिष्ठित एहसान डोगरामा की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन का अवार्ड से सम्मानित किया है, डॉक्टर विनोद पाल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के दो करारों पर हस्ताक्षर किए, ग्वेना। वह मांसाहारी खाद्य पदार्थ जिसमें रसायनों की मिलावट का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किट लॉन्च की, मछली। न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा जारी विश्व के अमीर देशों की सूची में भारत का स्थान है 6। भारत सहित विश्व भर में 31 जनवरी 2018 को दिखने वाले चंद्र ग्रहण का नाम, इस नाम से जाना गया, सुपर ब्लू ब्लड मून। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सुपर ब्लू ब्लड मून क्या है, तो ये चंद्र ग्रहण जो हुआ था उसका नाम है। स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी से हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है INS करंज। जिस देश के सेंसर बोर्ड ने फिल्म पद्मावत को देश से प्रतिबंधित कर दिया गया, मलेशिया। याद रखिएगा, ये भारत नहीं है, मलेशिया है। पद्मावत को मलेशिया में प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास उन्नयन के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे देख लो, 3400 करोड़। MCD ने नागरिक सेवा को बेहतर बनाने हेतु एक नया ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप 311। इम्पोर्टेंट नहीं है। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में जिस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, महाराष्ट्र। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2%। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि 7% से बढ़कर 7.5% का अनुमान है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 में भारत में जितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, 275.7 मिलियन। हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्रूड ऑयल की कीमतों में 2018 में बढ़ोतरी के आसार है 10 से 15%। इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में 2016-17 में इतने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार GST लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है 50%। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सेकंड में 10 GB डाटा ट्रांसफर करने वाली तकनीक जिसका हाल ही में भारत सरकार द्वारा परीक्षण किया गया, लाईफाई। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि लाईफाई क्या है। लाईफाई 10 GB डाटा ट्रांसफर करने की एक नई तकनीक है। वह पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, प्रकाश पादुकोण। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार 2018 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है, ब्रूनो मार्स। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्रैमी के द्वारा किसे दिया गया है, ब्रूनो मार्स को। जिस राज्य सरकार ने नागपुर में, लेकिन नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा के हो जाएगा, वैसे आते नहीं है। दुनिया में रहने के लिहाज से वह देश जो दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश है, भारत। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब सेल्स गैलेक्सी। थैंक यू।